दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसमें कक्षा 12 की पुस्तक अंतराल भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास की झोंपड़ी का कथासार बताएंगे, उसकी प्रमुख बातें बताएंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोंपड़ी, प्रेमचंद के एक बहुत ही प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास जो 1925 में लिखा गया, रंगभूमि का एक अंश है। ये कहानी प्रेमचंद के विचारों में गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करती है। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, अपनी सरकारी नौकरी को भी उन्होंने त्याग कर गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए, ऐसे प्रेमचंद के विचारों को, व्यक्तित्व को, गांधीवादी विचारधारा के दृष्टिकोण को ये कहानी रखती है। कहानी का प्रमुख पात्र सूरदास अपना समस्त धन तथा घर खो देने के पश्चात भी पुनः बनाने के लिए, अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है। वह विद्रोह या अहिंसा की बात नहीं करता। सूरदास का यह व्यवहार तथा विचार प्रेमचंद के गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है। कैसे उसका प्रभाव सूरदास पर एवं तत्कालीन समय में अन्य लोगों पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सूरदास की झोंपड़ी कहानी व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है। किस प्रकार एक असहाय व्यक्ति भी अपने जीवन में उत्तम कार्य कर सकता है तथा सब कुछ खो जाने के पश्चात भी वह स्वयं से हार नहीं मानता है, पुनः अर्जित करने का दृढ़ संकल्प रखता है। वह जीवन को एक खेल की भांति लेता है जिसमें हार जीत लगी रहती है। वह पुनः प्रयास करके सब कुछ हासिल करने पर विश्वास रखता है, प्रतिहिंसा या द्वेष भाव को अपने भीतर नहीं पालता। यही व्यक्ति के उत्तम जीवन का परिचय है और यही कहानी मुख्य रूप से कहना चाहती है। फिर भी सूरदास की झोंपड़ी कहानी का हम सार पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है सूरदास की झोंपड़ी, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास था उसके बेटे मिठुआ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे वह अपनी 3 अभिलाषाएं पूरी करना चाहता है, संचित धन से पितरों का पिंडदान करना, अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना और गाँव के लिए कुआं बनवाना। उसी गाँव के जगधर और भैरव भी रहते हैं उसी गाँव में, जो इस कथा के खलनायक और उप खलनायक के पात्रों के रूप में पहचाने जाते हैं। भैरों की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोंपड़ी में शरण ले लेती है। इसी ईर्ष्या भाव से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ उससे किसी भी प्रकार बदला लेने की ठान लेता है, जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है। भैरव है पोटली चुरा कर झोंपड़ी में आग लगा देता है। भैरव ये भी मान के चलता है कि सूरदास उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध रखता है या उसे बहलाता है, फुसलाता है, उसे बरगलाता है। आग लगाने के बाद वह चला जाता है। आग बुझाने पूरा गाँव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की मन स्थिति उस समय निराशापूर्ण होती है। वह आश्चर्यजनक दुखी था, निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किस प्रकार झोंपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाए। उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती हुई नजर आ रही थी। झोंपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोंपड़ी में अपनी पोटली की तलाश में जाता है। वहां पर चारों ओर उसकी राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी 3 अभिलाषाएं भी जल गई जो उसने सोची थी। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती है। जगधर सूरदास की झोंपड़ी जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि भैरव ने झोंपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली को चुरा लिया था और उसी ने झोंपड़ी जलाई है। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जगता है और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए, ऐसा सोचकर उसे भी मन में लालच आता है कि मैं भी किसी तरह से प्राप्त कर लूं।
इसी बात की धमकी भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे न दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है और ईर्ष्या की भावना में जाकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है, किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि वह गरीब के पास इतने पैसे होने उसके लिए लज्जा की बात थी। ऐसा लोग जान लेंगे तो क्या सोचेंगे। सुभागी, जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी उसी समय, वह सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसने पुत्र को उसके मित्रों की यह बात सुनकर ही, खेल में कोई रोता है वह इस जीवन को एक खेल मानता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है था वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय गर्व का तरंग भर देती है। तो ये सूरदास की झोंपड़ी का सार, उसके पाठ का मुख्य अंश है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों को लेकर। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, ये कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। जगधर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम कहना चाहता है कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद ही आग लगी थी, परंतु सच यह नहीं था। भैरों ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, किसी ने लगाई है। भैरों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो नाराज सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को ये बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए बात असहनीय थी। भैरव को सूरदास का ये कहना करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुभागी को साथ रखा था उसने उसी को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। अगला प्रश्न है, ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसने 500 रुपये थे उसके अंदर पोटली में। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि ये फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। अगला प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? उत्तर है, जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई है, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली है। यह राशि 500 रुपये से अधिक की थी। जगधर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा नहीं लगा। उसके मन में लालच आ गया। वह जानता था कि यह इतना
रुपया है जिससे भैरों की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरों की चांदी होते देख उससे रहने गया, वह मन ही मन भैरों से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरों के पास इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से वह तड़प उठता है। भैरों की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। अगला प्रश्न है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर है, सूरदास एक अंधा भिखारी था, वे लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे। उसके पास इतना धन कहाँ से आया? वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना लोगों को अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते थे। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सब पका गया। वह जगधर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगधर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया भैरों के पास है, तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, गिलानी तथा नैराश्य के भाव उसे नहला रहे थे। अचानक घीसू द्वारा मिठवा को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हो। इन कथनों को सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। और इसके बाद सूरदास दुखी और निराश न होकर के जीने के लिए उठा और उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, उसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। घीसू के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है? बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ, अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग ने उसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं, बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। इस कथन को ध्यान से समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें समझ में आती हैं, जो हमारे सामने आती हैं। वह दृढ़ निश्चयी है। रुपयों के जाने की बात से उसे कुछ समय के लिए दुख तो हुआ, परंतु बच्चों की बातों से जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया, साहस दे दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खाई। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। परिश्रमी सूरदास एक परिश्रमी व्यक्ति भी दिखाई देता है। वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठवा को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी, वह उतनी बार दोबारा खड़ा कर देगा। बहादुर सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता था। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती है। इसमें सूरदास एक बहादुर व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने जो सूरदास की झोंपड़ी, उसके जो पाठ हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष रखे। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।